बिग की सर इम्पोर्टेंट चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग क्लास सिक्स का एसएसटी का चैप्टर नंबर टू पढ़ेंगे। चैप्टर वन जो था व्हेन हाउ और कैसे, कोई घटना कहाँ कब और कैसे हुआ, जो एट और सिक्स सेवन का सेम चैप्टर्स होते हैं, तो वो हमने चर्चा कर दिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपुल, प्राचीन लोग किस तरह से अपने जीवन यापन को बढ़ाया, किस तरह समाज का और नई सभ्यता का निर्माण हुआ, इन तमाम चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। आप वीडियो देखिए और समझ में आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये जो है आज हम लोग का चैप्टर ऑन द ट्रेन ऑफ द अर्लीस्ट पीपुल, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो मानव था, जो मानव का इतिहास है, ये लगभग कहा जाता है कि 4.5 मिलियन वर्ष पहले ही इसका मतलब निर्माण हो गया था मानव धरती पर। मानव का अगर उद्गम कहें तो होमो सेपियंस से हुआ है, होमो सेपियंस सेपियंस जो इसका साइंटिफिक नेम है, वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस कहा जाता है। एक प्रकार का बंदर था, वही बंदर के रूप में जब वो वृद्धि हुआ, जब बड़ा हुआ, तो वो धीरे धीरे उसमें विकास होते गया दिन प्रतिदिन, और एक मानव के रूप में एक मानव सभ्यता का निर्माण हुआ। तो उसी इवोल्यूशन ऑफ मैन के बारे में पढ़ेंगे कि मानव को किस तरह का मतलब समय के साथ उसमें किस तरह के बदलाव हुए और लोग कैसे अपने एक सभ्यता एक संस्कृति को उत्पन्न किया, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्राचीन काल में जो लोग थे, जो प्राचीन लोग आज जिसको हम कह सकते हैं घुमंतु लोग या जिसको हम जनजातीय लोग भी कह सकते हैं, क्योंकि उन लोग उस समय के जो लोग होते थे वो अपना जीवन यापन जंगलों में भटक भटक के करते थे, भोजन का हमेशा तलाश में रहते थे और ज़्यादातर नदियों किनारे देखने को ज़्यादा मिली है। जितनी भी सभ्यता या सिविलाइजेशन, चाहे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन हो या वैदिक सभ्यता की बात करें, वो तमाम सभ्यताएं जो थी उसकी शुरुआत जो है वो नदियों के किनारे हुई है, इन द बैंक ऑफ द रिवर। तो उसका सबसे पहला अगर हम युग की बात करें तो पहला जो था वो स्टोन एज था, जिसको हम पाषाण युग कहते हैं। स्टोन एज का मतलब ही होता है उस युग में जो लोग थे वो ज़्यादातर पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, चाहे वो रहने के लिए गुफा हो या उसके हथियार हो, उन तमाम चीज़ किसके बने होते थे, स्टोन के बने होते थे, पत्थरों के बने होते थे, इसीलिए इस युग का नाम है स्टोन एज। इस स्टोन एज को तीन भागों में बांटा जाता है, पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और न्योलिथिक एज, यानी पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ये तीन जो है युग में, पाषाण युग में, पाषाण का मतलब पत्थर होता है, पत्थर का युग, जो जो पूरा पाषाण काल था उसका पीरियड 5 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर 10,000 ईस्वी पूर्व माना जाता है, और 10,000 से 8,000 ईस्वी पूर्व जो मध्य पाषाण काल, और नव पाषाण काल जो है नव पाषाण युग जो है इसका जो है 8,000 ईस्वी पूर्व से 4,000 ईस्वी पूर्व की सभ्यता को नव पाषाण युग माना जाता है। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे पैलियोलिथिक एज के बारे में, कि जो पूरा पाषाण काल था, जो शुरुआती दौर था मानव का, जो पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, उसका किस तरह का था, इसको ओल्ड स्टोन एज के नाम से भी जानते हैं। पोंगोल्ड यानी पुराने पाषाण काल, पूरा पाषाण काल जिसको हम लोग कह सकते हैं। इसका एग्जिस्टेंस ऑफ पैलियोलिथिक एज का मैन का जो था, ये ज़्यादातर लोग देखने को जंगलों में फॉरेस्ट में घूमते हुए दिखते थे, जो कंदमूल मिलता था उसको खाकर अपने जीवन यापन पूरा करते थे। उसके अलावा अगर हम देखें कि उस समय के लोगों का जो लाइफ स्टाइल था वो आज के जानवरों की भांति ही थी, जैसे जानवर आज जिस तरह से जंगली जानवर घूमते रहते हैं जंगलों में, दर बदर भटकते हैं और अपने भोजन का कलेक्शन करते हैं और वो खाते हैं और अगले दिन पुनः चल पड़ते हैं, तो उन लोग का भी जीवन कुछ इसी तरह से था। वो उस समय न तो उसको कृषि आती थी, न तो कोई पालतू जानवर पाल पाते थे, यानी कि जो मिला उसको खा, न किसी चीज़ का नॉलेज उस समय मानवों की नहीं थी, वो काफ़ी था। उस समय ज़्यादातर पत्थर
का तो इस्तेमाल टूल्स में होते थे, जैसे कुछ टहनियाँ काटना हो, पेड़ों को काटना हो, या जानवरों को मारना हो, उसका शिकार करना हो, तो वो ज़्यादातर किसका इस्तेमाल करते थे, स्टोन का इस्तेमाल करते थे। चूजिंग अ ड्वेलिंग प्लेस, वे ऐसे जगह चूज करके रखते थे जहाँ की वो रह सके, जैसे बरसात हुई, वर्षा हो रही है तो छुपने की जगह होनी चाहिए, जहाँ पानी पीने के लिए तालाब, सरोवर या नदियाँ होना चाहिए, छाँव के लिए पेड़ पौधे, फूल पत्ती के लिए पेड़ पौधे, जंगल होने चाहिए, वैसे जगहों को ये चुन कर वहाँ पे अपने जीवन बसर किया करते थे। उसके बाद मेथड ऑफ मेकिंग द स्टोन ऑफ टूल्स, यानी जो पैलियोथिक एज के जो लोग होते थे, जो मानव थे, मानव स्टोन का जो था वो टूल्स बनाया करते थे, हथियार बनाया करते थे, अपने टूल्स को बनाया करते थे। इसको बनाने के दो मेथड थे, पहला स्टोन मेथड और दूसरा प्रेशर फ्लैकिंग मेथड। स्टोन मेथड जो था, जो पत्थरों से ही पत्थर को काटकर उसको नुकीला, चाहे वो कुल्हाड़ी हो, छेनी हो, पत्थर काटने वाला हो, या तीर में बांधने के लिए नुकीला बनाकर उन लोग इस्तेमाल करते थे, जिससे तीर से वो शिकार किया करते थे। उसके अलावे अगर हम देखें तो प्रेशर फ्लैकिंग मेथड, जिसको मार मार के तोड़ तोड़ कर क्या किया जाता है, प्रेशर के माध्यम से उस टूल को बनाया जाता था। तो ये दो टूल्स थे जो पैलियोथिक एज में इस समय के लोग द्वारा अपनाए जाते थे। धीरे धीरे मानव का विकास हुआ, लोगों को पहचान हुआ, तब हम पहुंचे मेसोलिथिक एज में। मेसोलिथिक एज जो है, जिसको हम मध्य पाषाण युग कहते हैं, जो 10,000 से 8,000 ईस्वी पूर्व को माना जाता है। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट, ईसा मसीह के जन्म का पहले का, और एडी एमिनो डोमिनी जो जो ईस्वी सन के नाम से जाना जाता है। मेसोलिथिक एज की मेन अगर खासियत हम देखें तो उस समय डोमेस्टिकेशन हो गया था एनिमलों का, यानी कि जानवरों को पालने की जो प्रवृत्ति है वो आने लगी, और सबसे पहला जो जानवर है जिसको पाला गया वो था डॉग्स, कुत्ता को पालने लगे, क्योंकि वो शिकार में मदद करता था। इसके अलावे वो जो डॉग्स होते थे वो रखवाली भी लोगों को करता था। उसके अलावे जो है, उसके बाद घोड़ा का कैरी करने के लिए, सामान ढोने के लिए घोड़ा का इस्तेमाल करने लगे, गाय का होने लगा दूध के लिए। तो इस तरह से धीरे धीरे जानवरों का जो है वो पालने की जो प्रवृत्ति है वो मध्य पाषाण काल में लोगों के अंदर आना शुरू हुआ। उसके बाद इम्प्रूवमेंट इन टूल्स, उसके बाद जो है वो टूल्स में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई। उस समय तक तांबा का आविष्कार हो चुका था और तांबा का भी टूल्स बनने शुरू हो गए थे। तो उस समय जो था मध्य पाषाण काल में, उसमें कई सारी जो है टूल्स का आर्ट एंड पेंटिंग, और उस समय मतलब कोई पेंटिंग करना या कोई चित्र बनाने की भी कला लोगों ने सीखना शुरू कर दिया था। उसके अलावे ब्यूरियल सिस्टम भी आ गया था, उसमें उस समय जो मिट्टी टाइप के जो बर्तन होते थे उसको भी बनाने की जो प्रवृत्ति है वो जो है आना शुरू हो गया था मध्य पाषाण काल में। और धीरे धीरे सभ्यता, लोगों में कृषि करने की प्रवृत्ति, जैसे जो फल खाते थे वो फेंक देते थे, उग जाता था, जिससे उन लोग का दिमाग में हो कि इसको बोया जाए तो अधिक से अधिक फसल होगा, तो उसको बोना शुरू कर दिया। उसके देख रेख के लिए घर बना के रहने लगे, तो घरों का एक आदमी रहने लगा और दूसरा देखा तो दूसरा भी आके रहने लगा। तो इस तरह बस्ती का निर्माण हुआ, जो पहले कबीला के नाम से जाना जाता था, और वही कबीला आगे धीरे धीरे एक बड़े बस्ती में एक गाँव के रूप में परिणत होता है। और उसके बाद आता है नियोलिथिक एज, नौ पाषाण युग, और नौ पाषाण युग में सर्वप्रथम आग का भी आविष्कार हो चुका था। आग के आविष्कार की अगर हम कहानी बोले तो पहले हम लोग जानते हैं कि जब सूखी लकड़ियां रगड़ी जाती थी, घर्षण के कारण आग लग जाते थे, और जंगल में जब आग लगते थे तो लोग वो परिचित नहीं थे आग से। जब उन लोग परिचित हुए और जब उसमें जो झुलस के जानवर मर जाते थे, जब उसको टेस्ट किया तो काफ़ी स्वादिष्ट लगा, तो भोजन पकाने की भी प्रवृत्ति जो है वो नौ पाषाण काल में ही आई। उसी तरह से इसी काल में पुनः चक्का का भी, व्हील का भी जो है आविष्कार हुआ, व्हील का भी आविष्कार नौ पाषाण काल में हुआ, जिससे कि गाड़ियों पर कैरी करके सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने लगे। कृषि का भी पूर्ण रूप से विकास जो है वो नौ पाषाण युग में ही माना जाता है।
और इसी नवपाषाण युग के बाद एक नए सभ्यता का निर्माण आगे चल के होगा, जो हम लोग पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। यानी कि इंडस वैली का मतलब यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण होता है, और उसके बाद वैदिक सभ्यता, और इस तरह से तरह तरह की सभ्यताएं हैं जो आएगी और हम लोग पढ़ेंगे। तो नियोलिथिक एज जो है, नवपाषाण युग जो है, इसमें हम नए युग की प्रारंभ कर सकते हैं लोगों के द्वारा, और तब जाके ये जो है ये युग हमारे जो पीपल्स थे उसमें क्रमबद्ध विकास होते गया, डेवलपमेंट होते गया, और उस डेवलपमेंट के बाद जो है जो अर्लीस्ट पीपल थे एक सभ्यता के रूप में परिणत होता है और मानव के विकास में अग्रसर है। नेक्स्ट क्लास में पुनः मिलेंगे, तब तक देखते रहिए बीके सर इम्पोर्टेंट चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।